ओके, तो अभी हम कॉल लगाने जा रहे हैं ग्रेनेडियर अशोक चौहान जी को। हेलो, नमस्कार अशोक जी। अशोक हाँ नमस्कार सर। कौन? हाँ साहब नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं साहब। सर बढ़िया सर, आशीर्वाद है। आज तो जो है ना, हमारे शेर भाई से बात करके मन और खुश हो गया। हमारे एक ब्रेव सोल्जर जो करगिल युद्ध में पूरे युद्ध के समय वहाँ पे रहा, दुश्मन के इतना करीब आया, घायल अपने भाइयों को जो है बचाया, साथ ही साथ जो वीरगति को प्राप्त हो गए उनको आपने कंधा दिया। तो आपसे तो बात करने का मतलब है धन्य हो जाएंगे आज हमारे बाकी अन्य साथी आपकी द्वारा बताई गई बातें सुन के। अरे सर, ये मेरे लिए भी बड़े ही गर्व गौरव और सौभाग्य की बात है। और सर मैं बताऊं, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है सर। बिल्कुल साहब, आज 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 ही के दिन 25 जुलाई को सर, हमने 24 जुलाई को दुश्मन पे हमला किया था। 25 जुलाई को दुश्मन ने हमारे पे, 24 को दुश्मन वहां से खड़ा हुआ था, 25 को वापिस हमला किया दुश्मन ओके ने। जी, और सर हम 30 जवान थे और लगभग दुश्मन 500 की संख्या में था। अच्छा हाँ, तो जैसे ही नजदीक आए हमने उनका काफी नुकसान किया सर। और अच्छा आज के दिन सर मेरे 6 साथी इस टाइम पर शहीद हो गए थे। और बम गोलियों से जख्मी होने के बाद भी 25 जुलाई को मैं शाम को 4 बजे जख्मी हो गया था। और 26 जुलाई को मैंने माँ भारती का तिरंगा झंडा अंतिम चोटी 5-3-6-3-7 रिज पर टाइगर हिल के आगे हम उसी को फहरा दिया था सर। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, ये अवसर मेरे को मिला। क्या बात है। तो ये बड़ी बड़ी गौरव की बात है दोस्तों कि आप अभी आप सुन पा रहे हैं अशोक चौहान जी को, जिन्होंने टाइगर हिल पे अपना तिरंगा झंडा फहराया था। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो अशोक साहब, पहले तो हम जो हाँ है सर, दिल से आपको प्रणाम भी करते हैं और उस माँ को नमन करते हैं, चरणों में हमारा प्रणाम माता जी को देते हैं जिनकी कोख से आप जैसा वीर सपूत पैदा हुए और आप जैसे तमाम जो भारत माता की सरहद की रक्षाओं पर लगे हुए हैं और दिलो जान से, मतलब वो जान की परवाह नहीं करते, बस देश की खातिर आर्य पार करने के लिए हमेशा से जुझारू रहते हैं और जो दुश्मन है उसकी नाक में नकेल घालने में 2 सेकंड नहीं लगाते। तो अशोक जी, कैसा मंजर था वहां पे कारगिल युद्ध के दौरान? सर वहां पे कैसा मंजर था कारगिल युद्ध के दौरान जब आपका एनकाउंटर वहां पे होता था? दुश्मन इतने ज्यादा थे, 500 थे, आप 20 थे। सर, कारगिल युद्ध के दौरान जो मेरी बटालियन थी 16 ग्रेनेडियर वही तैनात थी। और 8 मई को इस कारगिल युद्ध की शुरुआत मेरी बटालियन 16 ग्रेनेडियर ने की थी। और सबसे पहले सर मेरी यूनिट के 4 मेरे साथ शहीद हुए थे। और यहाँ से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जैसे सौरव कालिया की जो पार्टी को कैप्चर वगैरह कर दिया था, तो ये जो कारगिल लड़ाई है सर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लड़ी है। और जो 24 तारीख को जो अंतिम हमला था सर, निर्णायक लड़ाई थी, उसमें लेफ्टिनेंट उदय बराकर, सूबेदार दुर्गा साहब के नेतृत्व में हम 30 साथियों ने जैसे ही जाकर उस चोटी पर हमला किया, दुश्मन वहां से भाग खड़ा हुआ सर। और हमने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया, हमारे को बधाइयां मिलने लगी। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई की सुबह हुई, हम हैरान थे, हम तीन तरफ से सर पाकिस्तान से गिर चुके थे। और हमारे चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के 250 दिन जो सैनिक बैठे हुए थे और हमारे पे फायरिंग शुरू कर दिया। और जिस रास्ते से हम चले थे सर, वो रास्ता उन्होंने आर्टिलरी मॉर्टर बड़े हथियारों से कटऑफ कर दिया। यानी कि हम 30 आदमी चारों तरफ से गिर चुके थे। और सामने उनका बेस कैंप दिखाई दे रहा था, वहां उनके 250-300 कमांडो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हुए। और अच्छा 25 तारीख को उन्होंने हमारी तरफ से एडवांस शुरू कर दिया। और ओके जैसे ही 25 जुलाई को शाम को 4 बजे हमारे फायरिंग रेंज में आए, हमने उनको धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी, उनका काफी नुकसान हुआ। फिर वो छोटी छोटी टुकड़ी बना के बढ़ने लगे चला के। इस लड़ाई में सर मेरे 5 साथी उस टाइम पर शहीद हो चुके थे और बाकी बुरी तरह जख्मी होने की वजह से थोड़ा पीछे पोजीशन ले चुके थे। उस स्टॉप पे मैं और मेरे 3 साथी विजयदार इस बार नसीब कटे हुए थे, चारों नए लड़के थे। और हमने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आखिरी खून और आखिरी कतरा और आखिरी छाप है जब तक हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हम दुश्मन पर चारों काफी निशाने लगा रहे थे सर। इसी दौरान एक गोली विजेंद्र को लगी,
एक गोली इसको ईश्वर को लगी, जख्मी हो गए जूनियर से, मैंने उनको नीचे भेजने का फैसला कर लिया। हम अभी भी दुश्मन से मुकाबला कर रही थी दौरान सर एक गोली मेरे को कनपट्टी में लगी, एक पेट के पास निकल गई और कुछ देर में बम मेरे नजदीक आके गिरा और जो मेरी लेफ्ट साइड थी ये पूरा मांस उठ गया और हड्डी फूट के बाहर आ गई। फिर मैंने उन्होंने मेरे को पट्टी वगैरह बांध दी सर, पट्टी वगैरह बांधने के बाद में मैंने जैसे तैसे उनको मनाया, गुस्सा मोया अब तुम नीचे जाओ भी एनफोर्समेंट आएगी, फिर वो मान गए सर। उस दौरान मैंने अंदर कोई चनाई हो जाता है जुम्मे की माँ को बोल देना तेरा बेटा एक बहादुर की मौत मरा है, तो उनकी आंखों में आंसू थे वो चले गए सर। रात होगी 25 जुलाई की, उसके बाद में मैं रुक रुक के दुश्मन पर फायरिंग कर रहा था, तो एक समय ऐसा आ गया सर मेरे को लगा था दुश्मन नजदीक है मेरे को कैद करेगा। उस टाइम मैं क्योंकि दुश्मन की कैद में नहीं जाना चाहता था तो मैंने निर्णय ले लिया की अच्छा सोच क्यों अपने आप को गोली मार लू, तो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मेरे नजदीक पत्थर गिरने लगे, फिर मैं वहां फायरिंग करने लगा सर, वो पत्थर गिरने लगे मेरा जान भटक गया। अच्छा। तो मैंने वहां फायरिंग शुरू कर दी, तो कुछ देर बाद में वैसी परिस्थिति वैसे ही विचार मेरे मन में आए, तो मैं दुश्मन की कैद में नहीं जाना चाहता था, मुझे मैंने निर्णय ले लिया था कैद में जाने से अच्छा मैं अपने आप को गोली मार दूं, तो मैं गोली मारने वाला ही था, तो मेरे चारों तरफ मेरे जो साथियों की जो पार्थिव शरीर थे तो उसमें एक सुरजीत नाम का लड़का था हिमाचल का, आंखों में बारूद लग गया हुआ था, उसको होश आकर वो पाकिस्तान को गालियां देने लग गया, तो सर मेरा भी हौसला बढ़ गया, वो गालियां देता रहा, मैं फायरिंग करता रहा, हम दुश्मन को भ्रमित करते रहे। तो फिर रात को 2:30 बजे के करीब सूबेदार रणबीर और एक होता सीता की 10-15 की टुकड़ी आ गई हमारा हौसला बढ़ा, लेकिन दुश्मन नजदीक था, उस टुकड़ी पर भी भयंकर फायरिंग होया, सूबेदार रणबीर भी इकट्ठे हो गया, वो मेरे साथी कॉम्बिनेशन खत्म होने से पीछे पोजिशन ले चुके थे। अब सर मैंने सोच लिया कि अब जो भी करना अपने दम पर करना है, तो धीरे धीरे करके मैंने जो अपनी जो राउंड थे जितने गोलियां थी दुश्मन पर फायरिंग कर दी, और मेरे पास जब 25 जुलाई की सुबह होने वाली थी दिन निकलने वाला था, तो मेरे को ध्यान आया कि दुश्मन नजदीक है, मेरे पास 4 ग्रेनेड है सर, 2 ग्रेनेड मैंने दुश्मन पर फेंक दिए और 2 की 3 निकाल कर हाथ में ले लिया, और यही सोच लिया दुश्मन आएगा खुद भी मरूंगा इनको भी लेकर मरूंगा, और 26 जुलाई की सुबह होगी सर, तो इंडिया मैं इंतजार करने लगा इंडिया की तरफ से कोई मदद आएगी, इंडिया समझ रहा था पोस्ट पाकिस्तान पर और पाकिस्तान समझ रहा था इंडिया पर, दोनों देश वहीं फायरिंग करने लगे। काफी देर के बाद में सर फायरिंग हुई, मेरे चार साथी नरेंद्र पूनिया, राजेंद्र यूसफ और राजकुमार आए, डेढ़ गोलियां उठानी थी, वो सुरजीत को लेकर चलने लगे सर, तो मैंने भी मत करके आवाज लगा यार मगर मेरे को भी पानी पिला दो, तो वो मेरी तरफ दौड़े, मेरे हाथ में ग्रेनेड थे सर, मेरा दिमाग काम कर रहा था लेकिन हाथ मेरा काम करना छोड़ गए थे, फिर उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, वो ग्रेनेड ड्रॉप करे जैसे ही धमाका होया तो पाकिस्तान ने सर फायरिंग शुरू कर दी, और एक बम सुरजीत के सिर पे गिरा दिया, देखते देखते सर वो शहीद हो गया, जो चार साथी मुझे लेने आए थे दोनों मिस करने हो गए। अच्छा मतलब नहीं हमारा ग्रेनेड ही एक्सीडेंटली फट गया क्या? नहीं, वो हमने पाकिस्तान की तरफ ड्रॉप कर दी थी सर, 3 उनके लीवर निकले हुए, लीवर दबे हुए थे, 3 निकली हुई थी सर मेरे हाथ में से। अच्छा। वो जैसे पानी पिलाया मेरे शरीर में चैन आ जाता था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान की तरफ, तो नीचे जाके फटे सर। अच्छा ओके। हाँ और सर वो सुरजीत भी शहीद हो गया और चार साथी लेने आए थे दोनों में जख्मी हो गए, उन्होंने जैसे तैसे करके 25 तारीख को जख्मी होने के बाद में 27 जुलाई को मेरे को पहला ट्रीटमेंट मिला, 28 जुलाई को जैसे मेरे को श्रीनगर में होश आया, मेरे ताऊ जी मेरे भाई और मेरा दोस्त पहुंच गए थे मेरे घर पे, एक्सपायर का टेलीग्राम पहुंच चुका था और यहाँ गांव इकट्ठा हो चुका था सर, फिर मैं मिला बातचीत करी सर, मेरा आर्मी के भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में लंबा इलाज चला, 2001 को मेरे को 7 साल 6 महीने की सर्विस के बाद मेडिकल बेस पे सेवानिवृत्त कर दिया सर, और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टरों का कहना था मेरा हिस्सा नीचे का पैरालाइज हो गया ना, तो जीवन मतलब इच्छा कर नहीं पाएगा। अच्छा। तो मैंने बाबा रामदेव का योग किया, श्री श्री रविशंकर महाराज से मिला योग, मेडिटेशन किया, ग्राम समाज की दुआएं थी मैं चलने लगा सर, फिर मैंने सोचा कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब करता हूँ सर, मैंने सिपाही उसके PN से लेके और तहसीलदार तक के टेस्ट करने की, लेकिन हरियाणा में हमारा बहुत ज्यादा करप्शन, मेरे कोई जॉब नहीं मिली सर, फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं अपनी जो खेती बाड़ी है उसको देखता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जी के अंदर की लड़ाई में जख्मी हुए थे, मेरे चाचे ताऊ भी फौज में थे, उनके पुत्र भी हम फौज में थे, तो पूरा परिवार देश की सेवाओं में लगे होने की वजह से हमारी जमीन आपके पिताजी भी आई थिंक 16 ग्रेनेड के ही थे। हाँ सर 16 ग्रेनेड गिर में थे, और मेरे भाई राजेश कुमार 17 ग्रेनेड गिर में थे, वो भी डिसेबल हुए, वो 13 में राजेश भाई 13 में है ना। हाँ 13 से सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं अभी, और मेरे जो चाचे का लड़का था वो राजपूत में था सर, वो भी डिसेबल्ड होकर सेवानिवृत्त होया। ओके
और सर उन भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने 2006 में राष्ट्रपति महोदय पर अप्लीकेशन लगाई गई, पूरा परिवार देश सेवा में था, कैसे कब्जा कर लिया, तो सर पुलिस ने उसके बाद में मेरे को परेशान किया, कब्जा किया, मेरा जुलूस तक निकाल दिया, मेरे को झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी। बड़ी बेशर्मी की हद की बात है। मतलब एक कारगिल का जवान जो दुश्मन के लिए गोली खा के आया हुआ है, उसका पूरा परिवार, मतलब उसको प्रशासन परेशान कर रहा है, पुलिस परेशान कर रही है उस जमाने में, हद है यार। और सर मैं अभी तक इसके लिए फाइट कर रहा हूँ, माननीय राहुल जी गांधी से भी मिला उस दौरान, मेरे पास मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का भी पत्र आया, मेरे पास देखिए हरिप्रसाद का भी पत्र आया, सर बोलते हैं अति तत्काल कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। और सर एक मात्र की जानकारी भी बता देना चाहता हूँ, 2006 में मैंने अपने इस जमीन की एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद में उन्होंने इस जमीन पर निर्माण कार्य कर लिए, कॉलेज बना लिए, जबकि कोई सीएमयू नहीं। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये कहने के इसके अंदर शासन प्रशासन तो संलिप्त भी है, गवर्नमेंट के कोई ना कोई मंत्रियों का भी हाथ है इसके अंदर। कमाल है, मतलब आपकी जमीन पे लोगों ने कब्जा करके कॉलेज बना लिए। हाँ कॉलेज बना लिए, क्योंकि सर वो हमारा पूरा परिवार तो कई सूरी देश सेवा में लगा हुआ था, और वो जो प्रॉपर्टी है सर करोड़ों रुपए की है आज के टाइम पे, और मेरे को तो सर कहीं वो मरवाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा भी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे अशोक जी, अच्छा हुआ आपसे बात हो गई, हम आपके इस मुद्दे को भी मेंशन करेंगे और हम चाहेंगे इस मुद्दे को आगे तक भेजना, ताकि मौजूदा जो सरकार है हमारी। सर एक चीज और है, जो 2020 में डीसी महोदय ने भी मान लिया है कि जमीन की प्रपोजल भी हमारी है, तो हमारी जमीन के जो 2003 में इंस्टॉल आ गए थे साथ में उन्होंने खारिज करवा दिए, और सर जो विरासत के मेरे दादा के जो इंस्टॉल है ना हमारे नाम नहीं आने थे सर, वो इतनी पहुंच रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं। अच्छा नहीं तो दाखिल खारिज भी हटवा दिए क्या? हाँ डीसी साहब ने बोल दिया, और मैंने अप्लीकेशन लगाई थी, वो खरीद ब्रोकर रजिस्ट्रार ने बोला कि तुम गलत कर रहे हो, प्रशासन मानता जमीन माधी माधी काम है, लेकिन सर को दिलवा नहीं रहा उसको, वो इतने पावरफुल आदमी बैठे हुए जमीन पे। कमाल है, कौन लोग हैं उनकी थोड़ी बताइए जरा पहचान, कौन सी पार्टी से मिले हुए हैं? सर एक तो कोई बाबू लाल है, सर के कॉलेज वगैरह बना रखे हैं। अच्छा और ये कौन सी सरकार थी उस समय पे? ये सर मैं लड़ाई तो 2006 से लड़ रहा हूँ, 2003 में हमारे नाम भी आते थे, लेकिन क्या है कि जो भूमाफिया होते हैं ना सर इस तरह के लोग, उनको सरकार से मतलब नहीं होता, उनके हर सरकार में अपने होते हैं सर, वो खुद में से है, वो कांग्रेस में भी थे और आज भी उनका कहीं ना कहीं उनके गवर्नमेंट में आदमी है। अच्छा जी कमाल है यार। और सर मैं कुछ आपके पास में डॉक्यूमेंट और वीडियो आपको होंगे तो मैं भेज दूंगा सर आपके पास में। आप एक वीडियो बना के मेरे को व्हाट्सएप भी कर देना इसी नंबर पे। हाँ ठीक है, अपना एक वीडियो बना के भेज देना, उसको भी प्रसारित कर देता हूँ फिर मैं। चलो ठीक है, ठीक है अशोक साहब, अपना ख्याल रखिएगा। और ये तो आपकी बहादुरी का किस्सा था जिसको सुन के हमको बहुत गर्व महसूस हुआ, पर साथ ही साथ बहुत दुख भी हुआ ये जान के कि किस तरीके से आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। सर मैं देखो सर ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है ना सर, बॉर्डर पे तो हमारी सेना सक्षम है लड़ने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, यानी देश के अंदर भी सफाई की बहुत जरूरी है सर। सबसे बड़ी समस्या तो देश के अंदर जो गद्दार माफिया बैठे हैं ना, तो यहाँ का भी योगी की तरह एक्शन होना चाहिए सर पूरे भारत में, मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है, योगी जी जैसा एक्शन हर एक स्टेट करने लग जाए तो फिर भूमाफियों की स्थिति होगी। चलो साहब ठीक है, आपकी बात को रखेंगे, आप मुझे वीडियो बना के भेजिएगा, उसको प्रसारित करेंगे फिर हम। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है साहब, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना। जय जय सर, जय हिंद। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है जान के कि हमारे करगिल युद्ध का इतना बड़ा एक योद्धा जिसको प्रशासन परेशान कर रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, भूमाफियाओं ने जमीन कब्जे में लेके अपने बिल्डिंग्स बना दिए हैं, बड़ी शर्म की बात है यार। और कहाँ कहाँ तक लेटर नहीं लिखे बता रहे कि बड़े बड़े नेताओं ने आश्वासन दिए उस जमाने में कि आपके साथ सही हो जाएगा, तत्कालीन प्रभाव से आपके लिए हम सपोर्ट करेंगे, पर आज तक नहीं हुआ। कमाल है, इनका स्पेशल वीडियो बना के दोबारा से जो ये भेजेंगे प्रसारित करूँगा, उसको प्लीज़ इनकी आवाज़ बन के शेयर कीजिएगा। और इस वीर गाथा का जब वो कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी अपने इस चैनल के माध्यम से, रॉयल सोल्जर के माध्यम से, हर किसी फैमिली मेम्बर तक, यूथ तक इस वीर गाथा को शेयर कीजिएगा, वो देशभक्ति की ज्वाला उसके अंदर प्रज्वलित करने में अपना योगदान दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी अगली बार एक ऐसा वीडियो अपलोड हो आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद।